हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम अगेन। मैं नरेश कुमार, आपके अपने चैनल पीजी ब्राइट क्लासेस पे आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम क्लासिक्स इंग्लिश हनिस्कल लेसन नंबर थर्ड तारोज रिवार्ड, इसके हम एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो आपकी इंग्लिश की क्लासिक्स इंग्लिश की दो बुक आपकी हनिस्कल और ए पैक्ट विद द सन, कंप्लीट सॉल्यूशन हमने उन दोनों बुक का कर लिया है और एक प्लेलिस्ट बना रखी है। दोनों के अलग अलग प्लेलिस्ट है, उनका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके आप लोग से वीडियो देख लेना। और यदि आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। तो इसके हम एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, तारो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी। तारो ने निर्णय लिया ज़्यादा पैसा या अतिरिक्त पैसा कमाने का, क्यों? इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। सभी ऑप्शन हम रीड नहीं करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। जो इसका सही आंसर होगा वही हम रीड करेंगे। टू बाय हिज ओल्ड फादर सम सेक, अपने बूढ़े पिताजी के लिए कुछ सेक खरीदने के लिए उसने ज़्यादा पैसा कमाने का निर्णय लिया। सेक होता है एक पेय पदार्थ, जापानी पेय पदार्थ जो शराब की तरह होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड रीड करते हैं। तारो एंड वेरी लिटल मनी बिकॉज, तारो बहुत ही कम पैसा कमा पाता था, क्यों? इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, द प्राइस ऑफ वुड वाज वेरी लो, जो लकड़ी का मूल्य है वो बहुत ही कम होता था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द नेबर लेफ्ट तारोज हट इन ए हरी, हरी माने जल्दी में, बिकॉज, क्योंकि जो पड़ोसी था वो मतलब तारो की झोपड़ी से जल्दी ही चला गया सेक के पी के, तो क्यों चला गया वो जल्दी? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, सी वांटेड टू टेल द होल विलेज अबाउट द वाटरफॉल, क्योंकि वह पूरे गांव को उस जादुई झरने के बारे में, वाटरफॉल होता है झरना, वह पूरे गांव को क्या झरने के बारे में बताना चाहता था, इसलिए नेबर है पड़ोसी है वो तारो की झोपड़ी से जल्दी ही चला गया। क्वेश्चन नंबर फोर, तारो वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडिड, तारो है वह अपने माता पिता को सब कुछ देना चाहता था जो चीज़ों की उनको जरूरत थी। दिस शोज दैट ही वाज, इससे क्या मतलब जाहिर होता है या इससे क्या प्रमाणित होता है, आपको इसमें से सही आंसर चूज करना है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर हो जाएगा, तो थॉटफुल कंसिडरेट लविंग काइंड, जो तारो है अपने माता पिता के लिए सब कुछ करना चाहता था, वह सब कुछ खरीदना चाहता था अपने माता पिता के लिए, तो इससे क्या जाहिर होता है तारो किस प्रकार का लड़का था? थॉटफुल विचारशील था, कंसिडरेट सोचने समझने वाला था, मतलब फिक्र करने वाला था, ध्यान रखने वाला, लविंग माने प्यारा, काइंड माने दयालु। तो इसका ए ऑप्शन जो फोर्थ क्वेश्चन है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव करते हैं, चूज द वर्ड्स दैट राइम इन एज पियर साउंड, साउंड की तरह जिसकी आवाज़ आती है वह वर्ड आपको इसमें से चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, राउंड, साउंड राउंड। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ही टेस्टेड द वाटर एंड फाउंड इट, उसने मतलब क्या पानी को पिया एंड फाउंड इट, तो पानी कैसा था? तारो ने जब पानी पिया झरने का तो पानी कैसा था? डिलीशियस था, स्वादिष्ट। क्वेश्चन नंबर सेवन, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह तारो जंप्ड आउट ऑफ बेड, तारो अपने बिस्तर से जल्दी उठा, यानी उठा, डैश देन यूजुअल, इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपको बताना है, अर्लियर, अर्लियर सही ऑप्शन इसमें होगा, तारो मतलब क्या अपने बिस्तर से पहले की बजाय जल्दी उठा। क्वेश्चन नंबर एट, दिस मेड तारो सैडर देन एवर, इस बात से तारो बहुत दुखी हो गया पहले से, तो दिस जो इस्तेमाल किया गया दिस वर्ड वह किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा, तारोज इनएबिलिटी टू बाय एक्सपेंसिव सेक फॉर हिज फादर। क्वेश्चन नंबर नाइन, ए डैश वुड कटर लिव्ड ऑन ए डैश हिल साइड, इसमें सही आपको ऑप्शन चूज करना है, ए और बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, ए यंग वुड कटर लिव्ड ऑन ए लोनली हिल साइड। क्वेश्चन नंबर टेन, फिलिंग द ब्लैंक्स, ही वॉज ए डैश सन हु वर्कड डैश बट अर्न डैश मनी, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, सही आंसर होगा इसका, थॉटफुल, ही वॉज ए थॉटफुल सन हु वर्कड हार्ड बट अर्न लिटल मनी। क्वेश्चन नंबर इलेवन, फिलिंग द ब्लैंक्स, वन डे ही सा ए डैश वाटरफॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक, तो इसका सही आंसर जो होगा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल आएगा इसमें जो आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है, वन डे ही सा ए ब्यूटीफुल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, वेयर डिड तारो लिव एंड विद होम, तारो कहाँ रहता था और किसके साथ रहता था? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, तारो लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन ए लोनली हिल साइड। क्वेश्चन नंबर थर्टीन,
वाई वर द नेबर्स एट द वाटरफॉल, जो सभी जो पड़ोसी है वो वाटरफॉल पे झरने पे क्यों आए हुए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द नेबर्स वर एट द वाटरफॉल बिकॉज दे वांटेड द डिलीशियस शेक, क्योंकि वे सभी के सभी जो पड़ोसी है वो डिलीशियस शेक चाहते थे इसलिए वो झरने पे आए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाई डिड तारो डिसाइड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, पहले की बजाय तारो ने ज़्यादा मेहनत करने का निर्णय क्यों लिया। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, तारो डिसाइड टू वर्क हार्डर देन बिफोर बिकॉज ही वांटेड टू बाय सम एक्सपेंसिव शेक फॉर हिज फादर, क्योंकि वह अपने पिताजी के लिए एक्सपेंसिव शेक खरीदना चाहता था इसलिए उसने पहले की बजाय ज़्यादा मेहनत करने का निर्णय लिया। क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज तारो, तारो कौन था। तो इसका राइट आंसर होगा तारो, सी वाला ऑप्शन जो सही आंसर होगा, तारो वाज ए यंग वुड कटर हु लिव्ड विद हिज पेरेंट्स। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, तारो वांटेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी बिकॉज, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा इसका सही, तारो वांटेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी टू बाय हिज ओल्ड फादर सम शेक। क्वेश्चन नंबर 17, कंप्लीट द सेंटेंस, द एम्पायर रिवार्डेड तारो बिकॉज, जो एम्पायर था सम्राट था उसने तारो को रिवार्ड दिया क्यों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तारो वाज गुड काइंड एंड ओबेड हिज पेरेंट्स। क्वेश्चन नंबर 18, वाई डिड द वाटरफॉल गेव तारो शेक एंड अदर्स वाटर, जो वाटरफॉल का झरना था वह तारों को तो शेक देता था और दूसरों को साधारण पानी ओनली वाटर देता था क्यों। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, द वाटरफॉल गेव तारो शेक बिकॉज ही वाज हार्ड वर्किंग एंड वेरी सिंसियर। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम आप लोगों से जल्दी मिलेंगे, तब तक बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।